हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी, दिन है आज बुधवार का, तारीख है 22 जून और ये आज का ही व्लॉग है और आज ही जाएगा। सुबह 5 बजे उठ गई थी और 5:30 बजे आप देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। ये हवा अभी नहीं चली, ये हवा सारी रात से ही ऐसे ही ठंडा मौसम था ज़बरदस्त वाला। और जैसे ही मैं झाड़ू वगैरह लगाने लगी ना, सबसे पहले आज मैंने सोचा मैं नीचे का काम ख़त्म करती हूँ। बच्चे सो रहे थे और हिमांग के पापा जो अपनी ड्यूटी पर थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले नीचे का काम ख़त्म करती हूँ। जैसे झाड़ू वगैरह मेरा कंप्लीट हुआ ना, तुरंत जो है बारिश आनी शुरू होगी, पोछा लगाना बाकी ही था। और ठंडी हवा तो रात भर से चल रही थी, वो अलग, मतलब सुबह उठने का नाम नहीं लिया, मतलब उठा ही नहीं जा रहा था। मैंने अलार्म भर के सोई थी मैं 4:30 का, कि मैं 4:30 बजे मैं उठ जाऊँगी, लेकिन वही होता ना, ठंडा ही ठंडी हवा लगती है, ऊपर से कूलर की ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो उठने का कहाँ मन करे। तो जी अभी है ना, सबसे पहले आज मैं झाड़ू लगाने का नीचे एक कारण भी और भी है। मेरे पास ना कमेंट आया था, दी आपका सिलेंडर दिखा दो, कहाँ रखते हो आप, तो आप देख लो ये मेरे सिलेंडर है, यही रखती हूँ। और सामने नाली वगैरह लगी हुई, इनकी पाइप्स वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो लगी हुई हैं, तो यहीं से डायरेक्ट जो है सिलेंडर कनेक्ट होता है और गैस जो है ऊपर जाती है। तो इसका अंडर कनेक्शन जो है, अंडर रूफ जो इसका सारा कनेक्शन जो है, पाइप जितने भी हैं वो अंदर ही अंदर, जितने जैसे लाइट्स के कनेक्शन होते हैं ना अंदर ही अंदर, तो इसका कनेक्शन भी अंदर ही अंदर करा के जो है ऊपर तक जो है लेकर गए हैं। काफ़ी खर्चा आया है ये चीज़ वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें मेंटेन करने में। और क्योंकि एक बार जैसे मिस्त्री अपना काम कर देता है, उसके बाद प्लम्बर अपना खुदाई तोड़फोड़ का काम करता है, तो इसमें ना काफ़ी सारा वो होता है। और ये सारी चीज़ें जो सुविधाएं तो बहुत हो जाती हैं, लेकिन इन सुविधाओं के चक्कर में ना खर्चा भी जो है वो बहुत सारा हो जाता है। अब आप देखो कितनी अच्छी तेज़ जो है हवा जो है वो चल रही थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत तेज़ जो है वो हवा चल रही थी सही, क्योंकि 3-4 दिन से इतना अच्छा प्यारा मौसम है ना, ठंडा ठंडा, मतलब आप ये मान करके चलिए दिन का पता चल रहा है ना, दोपहर का पता चल रहा है ना, शाम का पता चल रहा है, ऐसा मौसम जो है वो तीनों टाइम जो है मौसम ऐसा ही रहता है। तो जी बस अब फटाफट से जो है वो झाड़ू लगा, ये झाड़ू मेरा हो गया था, पोछा वगैरह मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर ये था कि बच्चे ना उठ जाए, उससे पहले मैं अपने काम एटलीस्ट, क्योंकि पता है क्या होता है कि जीने का और नीचे का सारा काम ख़त्म करने में मेरे को झाड़ू पोछे में कम से कम 1.5 घंटा जो है वो लग जाता है। और ये वाला एरिया ना, यहाँ पे धूल मिट्टी काफ़ी हो गई है और इसमें ऊपर जाने का रास्ता तो है नहीं, मतलब कोई चेयर वगैरह लगा के तो चढ़ सकते हैं, लेकिन हड्डी पसली टूटने का डर रहता है, तो मैं जितना हाथ जाता है ना वाइपर से, मैं उतने तक जो है वो पोछा वगैरह लगा देती हूँ। और फिर जो है अभी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें खरीदूँगी, तो मैं सोच रही हूँ एक जो है काफ़ी बड़ा जो स्टूल होता है ना, कम से कम 2 पैड़ी वाला जो स्टूल होता है ना, वो मैं ख़रीद लूँ, ताकि जो है मेरे को वहाँ पर चढ़ने में आसानी हो जाए। क्योंकि सामान आप लोगों ने देखा कैसे बिखरा पड़ा है, और जब आंधी आती है तो ऊपर के दरवाजे मैं खोल देती हूँ और उससे ना हवा में भी और जो है वो सामान इधर उधर जो है लुढ़कता रहता है। अभी जो एक दो जोड़ी जो शूज़ चप्पलें वगैरह बाहर रखी हुई थी, तो मैंने उनको लगा दिया, साथ साथ में जो है अलमारी के पीछे एक भी जो पोछा वगैरह वो लगा दिया है। ऐसे ही मैं अपना जो है वो टाइम बचा लेती हूँ थोड़ा बहुत अपना, साथ साथ में अपने निपटाती रहती हूँ, हाथ जो काम लगता है ना मैं उस काम को साथ साथ में जो है वो निपटाती ही रहती हूँ। अभी इसी टाइम पे ना साथ साथ में ये जो करीबन जो टाइम हो गया था 7 बजे के आसपास का, और इसी टाइम पे जो है सप्लाई वगैरह भी आ जाती है, 7:30, 7:15, 7:15, कभी कभी 7:30 हो जाता है, अदरवाइज 7 बजे जो है सप्लाई जो है वो आ जाती है। तो मैंने मोटर भी जो है वो चला दी है, ताकि जब तक मैं पोछा वगैरह नीचे का काम करूँगी तब तक मेरी टंकी भी जो है वो भर जाएगी। अंदर का रूम भी जो अच्छे से क्लीन कर दिया, अभी फटाफट से ये एरिया रहता है, क्योंकि बारिश आनी जो है वो शुरू हो गई थी और इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, काम करने का मन कर रहा था, काम जो है फुल एनर्जी के साथ जो है दुगुनी स्पीड में जो है वो काम करने का जो है वो मन कर रहा था। तो जी अच्छा, एक जो कल जो कमेंट आया था ना, उस ये था एक तो उसी चीज़ के रिगार्डिंग था कि आप सिलेंडर कहाँ रखते हो, वो मैंने आपको दिखा दिया है, वो चीज़ें मैंने पहले भी दिखाई थी, उन्होंने पहले भी क्वेश्चन किया था, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वीडियो स्किप हो गई होगी तो वो वीडियो देख नहीं पाए, अदरवाइज जिन्होंने जिस दिन कॉमेंट किया था ना उससे अगले दिन ही इन चीज़ों के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो कोई बात नहीं, मैंने एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया है। और सिलेंडर का आपने देख लिया है, और गैस का काउंटर टॉप वगैरह का सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो बाद में ऊपर जाकर दिखाऊंगी। और ये देखो बारिश आके ना मौसम वापस जो है वो रुक गई है, इतनी देर बारिश आई थी। और कल ना एक कॉमेंट हो रहा था, दी आप अकेले कैसे रहते हो, आपके आसपास में कोई पड़ोस नहीं है क्या, तो बोले जी मैंने अब ये भी दिखा दिया है कि ये देखो मेरा बच्चा देख लो, इसको कितना शरारती है, ये हद से ज़्यादा एक एक चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ता है।
तो जी आस पड़ोस भी मेरा दिखा दिया, आस पड़ोस में काफ़ी 5-6 घर हैं यहाँ पर, और अभी और घर बन रहे हैं, 2 घरों में कंस्ट्रक्शन का काम जो है अभी जो है वो चला हुआ है। तो जी बस अभी जो है साथ साथ में ना ये मैं ऊपर आई तब तक जो बच्चे वही सोकर उठ गए थे, 8 बज गए थे, और जब बच्चे सोकर उठते हैं ना तो बहुत सारा टाइम हमें ना बच्चों को देना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है ना कि फिर बच्चों का स्वभाव वही चिड़चिड़ा हो जाता है। और ये देखो एक अच्छा टाइम देने के बाद हिमांक को देखो, हिमांक जो है अपने भाई का बैग लेकर स्कूल का, और ऐसा ही जो है वो घूम रहा है छुपते छुपाते, ये छुपम छुपाई जो है वो दोनों भाई जो है वो खेल रहे हैं कि मैं बैग खाली बैग गई है, इसमें 1-2 बुक्स हैं, और लेके इधर जो है उधर जो है वो घूम रहा है। क्योंकि ये था वरुण अपने साथ साथ में, वरुण भी उठ गया था ना, तो वो अपनी ट्यूशन की तैयारी कर रहा था जाने की, तो हमने इसने बुक्स वगैरह डाली ना तो दोनों मतलब एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, उसको अपना बैग चाहिए था और वो जो है उससे जो है वो छिप रहा था। तो बस अभी बच्चों की मस्ती हो गई है, दूध वगैरह पिला दिया मैंने बच्चों को और ये सारा काम खत्म हो गया। और छोटे मोटे काम में साथ साथ में जैसे वरुण को मैंने दरी रखने के लिए दिया, हिमांक को पता है उसको अपने सैडल कहाँ पर रखने हैं, और भी काफ़ी सारे जैसे वरुण ने मान लो पढ़ाई की है तो पेंसिल रेजर यहीं रख दिए, तो वो चीज़ें मैं उसको यहाँ पर समझाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कि बेटा कौन सी चीज़ हमें कहाँ रखनी है। मान लो हमें खेलने के लिए, वो उसका पता है क्या बच्चा स्वभाव ऐसा ही है, अगर मैंने उसको ये बोल दिया ना कि बच्चे खेलने के लिए बुला रहे हैं जाओ खेल लो, तो वो पढ़ाई कर रहा होता है तो वो सारा सामान ऐसा ही फैला हुआ छोड़ कर चला जाता है, उसे नहीं पता होता कि पेंसिल रेजर शॉर्पनर फिर हिमांक इन सारी चीज़ों को गिराता कहाँ है। तो जी बस अभी साथ साथ में मौसम ठंडा था तो मैंने सोचा क्यों ना आलू के पराठे बना लिए जाए, और यहाँ पर जो मैं आलू चढ़ाकर आ गई, क्योंकि ना महीने में कम से कम जो है रोज़ रोज़ तो इन चीज़ों को खाने का मन नहीं करता, लेकिन कभी कभी महीने में 20 दिन में जो है एक आधी बार खाने का मन ज़रूर करता है। बच्चों के देखो लंच बॉक्स में वीक में एक बार मैं देती हूँ, बट जब ठंडा मौसम होता है ना या तो मतलब छोले भटूरे खाने का मन करता है, या आलू छोले पूरी खाने का मन करता है, या फिर जो है आलू के पराठे खाने का मन करता है, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है बारिश के मौसम में, या फिर गुलगुले जो होते हैं पूड़े हम उतारते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो खाने का मन करता है। बस अभी जो है टाइम होने ही वाला था वरुण को ट्यूशन छोड़ने का, उससे पहले मैं सोचा क्यों ना झाड़ू वगैरह सारी चीज़ें मैं निकालते हुए चलूं, क्योंकि वापस आऊँगी ना फिर मेरे पास रह जाएगा पोछा लगाना, और फिर थोड़े बहुत बर्तन है वो बर्तन साफ़ करूँगी, और जब तक आलू भी ठंडे हो जाएंगे उसको छोड़कर मैं वापस आऊँगी जब तक, और फिर आने के तुरंत बाद जो है मैं अपना जो है खाना वगैरह की तैयारी जो है वो मैं कर दूँगी साथ साथ में, क्योंकि ये बच्चा अगर पढ़कर आएगा, अभी तो इसने दूध पिया है 2 ब्रेड खाए हैं, वहाँ पढ़ कर आएगा ना तब उस बच्चे को ना भूख लगती है, चाहे कोई भी बड़ा है बच्चा है उसको भूख जो है वो लगती है। अभी जो है मैं वरुण को छोड़कर आ चुकी हूँ और साथ साथ में मैं जमा रही हूँ मलाई, 1 वीक की मलाई मेरे एक साथ इकट्ठी हो गई थी तो मैं साथ साथ में ये भी जमा देती हूँ। अच्छा ये भी कमेंट आया था कि आप जो है मलाई इतनी जल्दी जल्दी आप जमाते हो तो कितना दूध लेते हो क्या? देखो दूध मैं लेती हूँ सिर्फ 2 किलो, पहले मैं 3 किलो लेती थी, और फिर हमने दूध 2 किलो कर दिया, और हम 1 किलो दही का अमूल का पैकेट लेकर आते हैं। बच्चे ना घर की दही नहीं खाते हैं, बाहर वाली दही पैकेट वाली जो दही होती है ना वो खा लेते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना बच्चे दही तो खा तो रहे हैं तो इतना फालतू दूध लेने का फ़ायदा नहीं है, तो हमने दूध 2 किलो कर दिया। और 2 किलो दूध में आप देख लो पूरे 1 वीक की ये मलाई है, इसमें अच्छा खासा घी है जो वो मेरा बनकर रेडी हो जाएगा। जब तक घी गर्म होगा ना तब तक मैं आलू ठंडे होने के लिए छोड़, मतलब ठंडे तो हो ही गए थे ये, साथ साथ में इनको छील दूंगी और जो है इनका जो स्टफिंग है वो रेडी कर दूंगी। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और कमेंट आया था दी, आप आलू और एक पता नहीं उन्होंने क्या बोला, मशरूम नहीं पता नहीं बोला था क्या बोला था, उसकी रेसिपी शेयर करना, तो उसकी रेसिपी मैं 1-2 दिन में आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि वो चीज़ मेरे पास रखी हुई है लेकिन हम बहुत ही कम बनाते हैं उसको। अभी आलू की स्टफिंग मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कि आलू की स्टफिंग में मैं जो है वो क्या क्या ऐड करने वाली हूँ। देखो एक तो चीज़ टोटली ऊपर इन आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डिपेंड करता है, आलू की स्टफिंग में मैं आलू के साथ प्याज तो ऐड करती ही हूँ, लेकिन अगर मेरे पास पनीर होता है मैं पनीर भी ऐड कर लेती हूँ, और मेरे पास हरा धनिया होता है वो भी ऐड कर लेती हूँ, और प्याज तो मुझे ऐड करना ही होता है। वरुण को प्याज पसंद नहीं है लेकिन हिमांक के पापा को प्याज जो है वो पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक हल्का सा प्याज काट लूँगी, बच्चा है लेकिन मैं डेली मतलब उसको देती हूँ ना पराठे, कभी उसके हिसाब का निकाल देती हूँ, कभी थोड़ा बहुत जो है मैं उसको बोलती हूँ ना उसको बेटा थोड़ा बहुत खाना आना चाहिए बच्चे को, तो वो मान लेता है मेरी बात, ज़िद नहीं करता है बिल्कुल भी। अब यहाँ पर इसमें नमक ऐड कर दूँगी, 1 पिंच जो है वो हल्दी का, बिल्कुल हल्की सी जो है वो हल्दी ऐड करूँगी, और फिर उसके बाद मैं कसूरी मेथी, आज मेरे पास धनिया नहीं है
तो मैं कसूरी मेथी जो है वो ऐड कर दूंगी, साथ साथ में चाट मसाला ऐड करूंगी और साथ में थोड़ा बहुत जो है गरम मसाला ऐड करूंगी। आपने देखा है जब मैं सब्ज़ी में तड़का लगाती हूँ तो मैं गरम मसाला या चाट मसाला कभी भी ऐड नहीं करती, या और भी किसी तरह का मसाला, ये इस तरह की चीज़ें मैं कभी कभी यूज़ जो है वो करती हूँ। आज ठंडा मौसम था तो मैंने यूज़ कर लिया, अदरवाइज़ गर्मी में तो मैं बिल्कुल भी जो है वो चीज़ें इस तरह की यूज़ नहीं करती हूँ। अभी ये स्टफिंग हो गई है मेरी रेडी, इसको कुछ देर के लिए ढककर हमें छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, और फिर जो है साथ साथ में हम जो है तब तक मैं पोचा लगा लूँगी या फिर आटा लगा के मैं रख दूँगी, क्योंकि ये था कि वरुण का ट्यूशन का टाइम जो होएगा तब तक जो है मैं पराठे वगैरह बनाकर रख दूँगी, वापस आएगा वरुण तब तक अभी मेरे पास टाइम था, तो मैं सोचा कि साथ साथ मैं पोछा लगा लेती हूँ और उससे पहले ये सिंक के नीचे का जो एरिया है ना मैं उसको भी जो है वो साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हर चौथे पांचवें दिन जो है तीसरे चौथे दिन जो है कुछ लोग कुछ जो है सिंक के नीचे इकट्ठा हो जाता है। बहुत बार वरुण क्या करता है कि पेंसिल छीलता है उसके छिलके डाल देता है, और यहाँ पर जो है मैं सब्ज़ी की टोकरी रखती हूँ ना तो प्याज का जो छिलका वगैरह होता है ना जो सूखा छिलका होता है वो भी जो है उड़कर चला जाता है। तो अभी दूध साथ में दूध वाले भैया भी आ गए थे, करीबन जो है 9:30-10:30 के आसपास का जो वो टाइम हो गया था, और अभी यहाँ पानी में उन्हें थोड़ा सा जो है वो लाइजोल ऐड करा है, ताकि जो क्या है आजकल मौसम थोड़ा सा वैसा हो गया ना तो फर्श में नमी सी रहती है, तो ये लाइजोल वगैरह अगर आप कुछ तो इस तरह के प्रोडक्ट आप ऐड करते हो ना तो एकदम अच्छी सी खुशबू आती है, जो पानी की बारिश के मौसम की वजह से पानी की जो होती है ना स्मेल सी वो नहीं आती है, बहुत अच्छी खुशबू जो है वो आती है, और जो है क्लीन भी जो है टाइल्स वगैरह या पत्थर का फर्श है टाइल्स का जैसा भी फर्श है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो जी बस अभी ये हो गया, साथ साथ में पोछा लगा लेते हैं, और आज मैं सुबह 5 बजे से जो काम पर लगी हूँ ना 5 बजे उठ गई थी मैं, 5:30 बजे अपना काम जो है वो शुरू कर दिया था, चाय पानी वगैरह अपना पी के, और ये होता है ना मौसम में जब ठंडा मौसम हो ना तो इतना काम करने का मन नहीं करता, मैं भी थोड़ा बहुत आज कम से कम 5 बजे उठने के बाद 5:30 बजे कम में काम लगी, आधे घंटे तक मैंने इंजॉय किया आराम से बाहर ठंडी ठंडी हवा का, क्योंकि सुबह उठी ना बहुत ही प्यारा सुहाना सा मौसम था, ठंडी ठंडी जो है वो हवा चल रही थी, और ये काम ख़त्म करते 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 मतलब खाना वगैरह मैंने बनाया तब तक जो है 11 बज गए थे, फिर 11 बजे वही होता है ना वरुण को ट्यूशन से लाने का जो है वो टाइम होता है, तो बस ये बालकनी भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, आधी बालकनी में पोछा लगे और आधी बालकनी में उसको अच्छे से वॉश कर दूँगी। अच्छा मैं कभी भी ना अंदर जब मैं पोछा लगाती हूँ वो पानी यहाँ पे अंदर नहीं डालती हूँ, मैं इसको बाहर रोड पे ही डालती हूँ, कहते हैं कि हम दिन भर जो है वो बाहर घूमते हैं, बाहर रास्ते में तिराया भी आता है चौराया भी आता है वहाँ भी हमारे पैर पड़ते हैं, तो एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो आती है घर में, पोछा लगाने के बाद वो सारी एनर्जी जो वो बाहर चली जाती है, और इस पानी को हमेशा बाहर गली में जो है वो फेंकना चाहिए। तो पोछा एक बार मैं अच्छे से जो है वो साफ़ कर चुकी हूँ, उस पानी को मैंने फेंक दिया था बाहर, एक बार फिर से जो है अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी ताकि नीट एंड क्लीन हमारा जो है वो पोछा हो जाए। और ये बाल्टी भी आपने कपड़े वाली बोला था लाने के लिए, तो वो भी हमें 2-3 दिन हो गए मैं लेकर आ गई थी, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इसके लिए के बिना, और पता है याद तो रहता है लेकिन बच्चे साथ होते ना तो ज़्यादा सामान लेकर चला नहीं जाता है, हैवी सामान या बड़ा सामान गाड़ी होती ना तभी लेकर जो है वो चला जाता है। बस पोछा हो गया, तब तक मैंने दूध को ना सिम गैस पर छोड़ दिया था ताकि दूध जो है धीरे धीरे हमारा उबल जाए, पोछा लगाया तब तक हमारा दूध भी जो है वो उबल गया है, और इस तरह मैं थोड़ी देर दूध को हिला देती हूँ और 2 मिनट के उबलने के लिए छोड़ दूँगी, तब तक वो खदके ना खदकेगा तब तक बहुत मतलब मैं आटा छान लूँगी और जो आटा लगा लूँगी, और फिर इससे क्या होता है ना काफ़ी अच्छी जो है मलाई निकल कर जो वो आती है, बैठकर आटा लगाऊंगी। अच्छा मेरे पास कमेंट आया था दी आटा जब आप बैठकर लगाते हो कभी भी चप्पल पहनकर आटा नहीं लगाना चाहिए, तो आज मैंने चप्पल निकाल कर जो है वो आटा लगाया है, मुझे कभी भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ऐसी इस तरह चप्पल पहनकर भी आटा लगाते हैं, मैंने कभी देखा भी नहीं था इस तरह किसी से, आपने मुझे बताया उसके लिए थैंक यू सो मच, कुछ ना कुछ मुझे आपसे सीखने का जो है वो मौका मिला है। तो बस अभी साथ साथ में लगा लेते हैं पराठे बना लेते हैं हम, पराठा बना के तुरंत जो है मैं फिर वरुण को लेने चली जाऊंगी, क्योंकि ये सारे काम करते करते मेरे को ना 10:45 का टाइम जो है वो हो गया था, फिर 11 बजे वरुण का ट्यूशन ख़त्म होता है तो कम से कम 5-7 मिनट पहले जो मैं उसको लेने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे टीचर वरुण की टीचर से कुछ डिस्कस करना होता है ना तो एटलीस्ट मैं उसी टाइम में कोशिश करती हूँ मैं डिस्कस करूँ, उनका एक्स्ट्रा टाइम ना लूँ, क्योंकि 9 से 11 का जो टाइम है तो वो उसी टाइम में मैं कोशिश करती हूँ चीज़ें डिस्कस करूँ, एक्स्ट्रा टाइम मैं उनका ना लूँ। और बस अभी सेक लेते हैं पराठे, क्योंकि हिमांक को भी भूख लगी थी और मुझे भी लगी थी, और वरुण आएगा उसको भी तुरंत जो है वो खाना तो चाहिए ही चाहिए, और हिमांक यही चक्कर काट रहा था कि कब मेरे को पराठा मिलेगा खाने के लिए। बस अभी हो गया हमारा काम ख़त्म टोटली सारा का सारा,
अभी करेंगे हम व्लॉग के एंड और पराठे खाएंगे गर्मा गर्म। आप भी हमारे साथ खाइए गर्मा गर्म पराठे। और पहले जाऊंगी वरुण को लेने, आने के बाद अपना नाश्ता वगैरह जो है वो मैं करूंगी। हिमांग को मैंने करा दिया। तो जी अभी जो है टाइम हो गया है 11 बजने में, 5-7 मिनट बाकी हैं और मैं वरुण को लेने जा रही हूँ। सारा काम टोटली फिनिश हो गया, पराठे मैंने बना कर रख दिया। हेलो हेलो, तो पराठे मैंने बना कर रख दिया, आलू के पराठे, और मौसम बहुत अच्छा था। हाँ चलो खा लो भाई, मौसम बहुत अच्छा था। और मैं सोचा ब्लॉग एंड भी कर देते हैं साथ साथ में। और एक चीज़ तो मैंने आपको दिखा दी थी, नीचे मैंने कमेंट आया था कि दी सिलेंडर का एरिया कहाँ है। सिलेंडर मेरा नीचे, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया, सीढ़ियों के नीचे जो स्पेस का एरिया, वहाँ पर सिलेंडर है और उसकी फिटिंग अंडर, मतलब जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो करवा रखी है। सकिन आप जो स्लैब साफ करते हो और स्लैब के साथ साथ मतलब काउंटर टॉप उसके साथ गैस साफ करते हो, वो कैसे करते हो? तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये देखो, मैंने ऑलरेडी एक बार दिखाया भी था, पता नहीं दिख रहा। हाँ स्कॉच ब्राइट का है ये, ये है स्कॉच ब्राइट का स्पॉन्ज वाइप, क्लीन एनी मेस इन अ वाइप। ये देखिए ये मैं जो है मैं यूज़ करती हूँ, ये 4 का पैक आता है, इसमें आते हैं करीबन करीबन ये 150, शायद 150 के आसपास का जो है वो आता है। ये नहीं 200 का आता है, 200 का जो यहाँ पे लिखा हुआ है MRP 200 का आता है। 4 वाइप इसमें आते हैं, एक वाइप आराम से 3 महीने अगर आप अच्छे से यूज़ करते हो, 3 महीने 4 महीने चल जाता है। पानी को सोख लेता है, चाहे कोई भी किसी तरह का गंदो स्लैब पे अच्छे से सोख लेता है, चमका देता है। मतलब जैसे हम कॉटन के कपड़े से या वैसे साफ़ करते हैं ना, तो उसमें ना पानी के जैसे ऐसे घुमाते हैं ना पोछे को, तो कहीं ना कहीं वो निशान जो घुमा वो रह जाता है। लेकिन हम इससे साफ़ करते हैं तो बिल्कुल क्लीन होता है, साफ चमक जाता है एकदम। और यही था जो मैं यूज़ करती हूँ, ब्लॉग एंड करेंगे यहीं पे, टोटली काम ख़त्म हो गया। मौसम बहुत अच्छा है, खाना मैं आके खाऊंगी और उसके बाद नहाऊंगी। ये देखिए मेरे कपड़े रखे हैं जो कि मुझे पहनना है। पहले सोचा था कि टाइम रहता होगा तो मैं नहा लूँगी, लेकिन टाइम ख़त्म है, अभी मैं जा रही हूँ वरुण को लेने के लिए। और ब्लॉग एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। हाँ बेटा पराठा खा लो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आने वाले सारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए और आप मेरे सारे ब्लॉग्स देख पाओ। टिल देन बाय बाय।